अजीज तलबा तलबा, आज की वीडियो तीन से हट के है, एक खसूसी वीडियो जिसमें सिंस और फार के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, सिंस परफेक्ट टेंस में भी आता है, तो इसके इस्तेमाल में कुछ ऐसा इंशाल्लाह खास बताया जाएगा तो आपको अंदर से इस्तेमाल में कोई दुश्वारी नहीं होगी अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए। एक हम नुक्ता देते हैं सेंस, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ज्योमेट्री में एक नुक्ता होता है जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, बाकायदा वह हमें शुरू करने का नुक्ता मालूम होता है। इसी तरह से लैंग्वेज में है, जब हमें काम शुरू करने का सही वक्त दिया गया हो। वर्क और टास्क भी बोल सकते हैं, एक्शन कोई चीज़ नॉन क्यों रहने कटवाए तो क्यों नहीं बोलते, जब हमें शुरू होने का दूस वक्त मालूम है। मसलन सिंस 7 ओ क्लॉक, याद रखिए ओ क्लॉक स्टैंड करता है ऑफ दी क्लॉक के लिए, नहीं घड़ी का वक्त। सिंस मार्च 1986 लिखा में शुरू होने का दूस वक्त मालूम है। तो जब हमें काम शुरू होने का हती वक्त मालूम हो तो सेंस इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी इसके ऑपोजिट है, इसमें हमें एक दी होती है ड्यूरेशन, मतलब दी होती है शुरू होने का दूस वक्त मालूम नहीं होता। काम शुरू होने का दुरुस्त वक्त नहीं दिया गया था, जस्ट एक मुद्दत दी गई होती है। क्लियर एग्जाम्पल है फॉर टू आवर्स, दो घंटे से। ये दो घंटे कौन से हैं, 7 से 9 हैं, 10 से 12 हैं, 1 से 3 हैं, ये नहीं मालूम। सिर्फ हम कहते हैं फॉर 3 मंथ्स, 3 माह से, कौन से 3 माह ये नहीं मालूम। फॉर मनी डेज ईयर्स, तो बहुत से दिन या साल रहा, तो आप देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा वीडियो पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिएगा।